नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेवर एयरपोर्ट न्यूज़ डॉट नीलू में। तो जेवर एयरपोर्ट के विकास से संबंधित जानकारियाँ हम लाते हैं। जेवर एयरपोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्र में क्या क्या नया हो रहा है, क्या जानकारी नई आई है, उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में एक बार फिर से हाजिर हैं। जानकारी आई है कि जो 80 गांव जो गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के लिए जाने हैं, उनमें जो नया ग्रेटर नोएडा जो बसना है, उसकी जो संशोधित डीपीआर है वो आ गई है। तो इसी क्रम में पूरी जानकारी लेते हैं, क्या खबर आई है, खबर को विस्तार से जानते हैं। न्यू नोएडा प्राधिकरण ने बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के 80 गांव को नए नोएडा में बसाने के लिए तैयारी को और तेज कर दिया है। प्राधिकरण द्वारा नए नोएडा को बसाने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि नए नोएडा का यह प्रोजेक्ट 2031 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अभी बस इसका मास्टर प्लान लाने की तैयारी है। एसपीए कर रही है नए नोएडा का प्लान तैयार। नोएडा का ये जो मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, ये स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कंपनी एसपीए के द्वारा तैयार किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने यह जिम्मेदारी कंपनी को सौंपी है। यह जब यह कंपनी मास्टर प्लान को पेश करेगी, उसी के बाद प्राधिकरण इस मास्टर प्लान को शासन के सामने और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में प्रस्तुत करेगा। 1 महीने के अंदर नई रिपोर्ट लाने की तैयारी है। नए नोएडा को बसाने के लिए तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। इसको 4 फेज में बनाया जाए, इसके लिए जिस कंपनी को मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, उसने पहले ही एक रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रदान कर दी है। हालांकि अभी उस रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए जाने बाकी हैं। उम्मीद यह है कि यह कंपनी 1 महीने के भीतर नई रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंप देगा। 210 वर्ग किलोमीटर जमीन पर बसने वाला है 80 गांव का नया नोएडा। देश की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूती प्रदान करनी है, तो देश के आर्थिक विकास पर बल देना ही होगा। इसी दिशा में काम करते हुए देश में 2 इंडस्ट्रियल फ्लाइट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। पहला कॉरिडोर दिल्ली से मुंबई के बीच का है। ये कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा के दादरी से शुरू होगा और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर जाकर ख़त्म होगा। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। वहीं जो दूसरा कॉरिडोर है, वह कलकत्ता से अमृतसर के बीच बनाया जा रहा है। ये 1839 किलोमीटर लंबा है। इन दोनों कॉरिडोर की खास बात यह है कि इनके बीच में गौतम बुद्ध नगर के दादरी तहसील के करीब 20 गांव आते हैं और वहीं बुलंदशहर ज़िले में इसमें 60 गांव शामिल हैं। कुल मिलाकर ये 80 गांव हैं और इन्हीं को लेकर नया नोएडा बनाया जाएगा। किसान को मिलेगा लैंड पूलिंग का भी लाभ। इस नए नोएडा को बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत भी होगी और इसके लिए लैंड पूलिंग के जरिए ज़मीन ली जाएगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों की भी भागीदारी प्रदान की जाने वाली है। जिस तरह से नवी मुंबई को भी लैंड पूलिंग के तहत विकसित किया गया है, ठीक उसी मॉडल की तरह ही नए नोएडा को भी बनाया जाएगा। कनेक्टिविटी और फैसिलिटी का भी खास ध्यान होगा। यह नया हिस्सा गुड़गांव और फरीदाबाद के करीब आ गया है। ऐसा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की वजह से हुआ है। इससे इसको बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर गोल्फ कोर्स, बायोडायवर्सिटी पार्क, वेटलैंड, हेलीपोर्ट आदि भी बनाया जाएगा। इसको शहर के फेफड़े की संज्ञा दी गई है। तो ये थी आज की जानकारी ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के बारे में। इसी के जैसी अन्य जानकारियाँ भी आती रहेंगी। बने रहिए, देखते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल को पसंद करते हैं, जिन्हें जानकारियाँ वास्तविक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, वो लाइक व शेयर अवश्य करें। और जितना आप लोग लाइक शेयर करेंगे, उतनी ही हम जानकारी आपके पास लेकर आएंगे, खास जानकारियां लेकर आएंगे, जिससे लाभ आपका ही होना है। इसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय हिंद।
जय भारत।